match is scheduled for one fall, and it is for the waterweight division. Introducing first, fighting from the blue corner, weighing 77.1 kilogram, he is Ashwin Chidambara. And his opponent, fighting from the red corner, weighing 170 lbs, he is Murtazar Sheikh. अभी जिस बच्चे की तबीयत खराब हुई है उसके पेरेंट्स हैं वो पीछे एम्बुलेंस से निकल रहे हैं वहां पहुंच गई थी So here we go again for the fourth match live tonight at Nimat. Here we have our very own Mr. Partho Ghosh, special commentator with me. This is Munish Ghoshal here live at Nimat right in front of you. Partho sir, kya kahenge aap? As always, I would stand by with the blue. Let's see what happens. I mean, I'm with the red, as always. आपका क्या कहना है कि ब्लू जीतेगा कि रेड? मैं बताना चाहूंगा ब्लू में है अश्विन चिदंबरम और रेड में है मुदस्सर शेख. दोनों फाइटर अच्छे हैं, जीत तो कोई भी सकता है. ये रेड वाला ज्यादा अग्रेसिव कर रहा है, देखते हैं फाइट कैसी जाएगी. देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी थोड़ा सा कमजोर पड़ता है मैं हमेशा उसकी साइड लेने की कोशिश करता हूँ. मुझे अच्छा भी लगता है कम बैक, एक बार डाउनफॉल फिर कम बैक. देख यहाँ ग्राउंड पे ले जा चुके हैं अश्विन चिदंबरम ब्लू में और मुदस्सर शेख रेड में. ओके मिस्टर शेख ब्लू के ओपन गार्ड में है और ऊपर से शॉट पे शॉट शॉट पे शॉट मेरे ख्याल से एक्शन यहाँ पे अच्छा हो रहा है. मेरे ख्याल से शेख उसे नीचे ले जाके मैच जीतने को ही पसंद करना चाहते हैं. आपको क्या ख्याल है? यहाँ पर मुदस्सर शेख रेड ने काबिज होते हुए अश्विन चिदंबरम पे. देखना ये पड़ेगा कि अश्विन ब्लू में किस हद तक इस मैच को घसीट पाते हैं. पहला राउंड चलता हुआ मैं बताना चाहूंगा इन ऑल तीन राउंड होंगे दो दो मिनट के इन मैचेस में जो कि एमेचर सेक्शंस में हो रहे हैं. ऑलराइट तीन मिनट के तीन राउंड और यहाँ पर अश्विन चिदंबरम ब्लू कॉर्नर से और रेड कॉर्नर से मुदस्सर शेख स्टैंड अप ज्यादा करना चाहते हैं, थोड़ा अग्रेशन दिखाते हुए ब्लू कॉर्नर थोड़ा सा सहमे हुए हैं पर आप वापस अग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी बहुत हिचक है शायद मुदस्सर शेख के डोमिनेशन के कारण ये हालत हुई और उन्होंने निकलने की कोशिश की. अब शायद फिर से नीचे ले जाए. ओ नहीं, गुरेडी से मैच खत्म हो सकता है, मैच अचानक पलट सकता है और यहाँ पर काफी गेटिंग चोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर मुदस्सर शेख के अश्विन. देखना यहाँ पर यह है कि पहले राउंड के अंत में इस चीज को कैपिटलाइज कर पाएंगे कि नहीं. दोनों फाइटर्स काफी अच्छा एमेचर मैच लड़ रहे हैं और यहाँ पर फर्स्ट राउंड रेफरी का इशारा खत्म होता हुआ और यही है इस खेल की शोभा. अगले मैच के लिए अगले राउंड के लिए तैयार. लेट्स गो. अब दोनों काफी स्लो ये मैच ले जा रहे हैं. ओ नहीं, अश्विन ने अश्विन अब डोमिनेट कर रहे हैं. काफी हम हाफ गार्ड पे है. हाफ गार्ड यानी ब्लू फाइटर को ज्यादा अच्छी पोजीशन मिली हुई है. ऊपर से हिटिंग की कोशिश कर सकते हैं या सबमिशन की. रेड कॉर्नर को जल्दी वहां से निकलना पड़ेगा. ब्लू कॉर्नर अब
लुकानर और साइड नेटों पे जाने की कोशिश कर रहा है और अब बैक ली जा सकती है। अश्विन ने बैक लेने की कोशिश की पर फुल कंट्रोल फुल गार्ड पे आ गया। अभी उसने उसे ओपन गार्ड पे लेके रखा है। अश्विन कोशिश कर रहा है किसी भी तरह गोल्डन चोक लगाने की पर मोहम्मद शेख आगे बढ़ के उसे कोई ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं। अश्विन अब ट्रायंगल चोक की कोशिश कर रहे हैं, धीरे 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 अपनी टांग उसकी पीठ के ऊपर ला रहे हैं और शायद अब हमें एक ट्रायंगल चोक को नहीं आम बार की कोशिश की थी, नहीं मिस हो गया। कोई बात नहीं, दोनों ही फाइटर्स काफी अच्छा खेल रहे हैं। अश्विन शेख शायद अब ड्रेस चोक की कोशिश करें पर इन्होंने ड्रेस चोक उल्टे एंगल से लिया है। कोई बात नहीं, एमेचर में ही गलतियां होती रहती है और अश्विन को स्लंप आउट पे जाने का मौका और शायद अब शेख साहब थोड़े थक गए हैं और ऊपर से अश्विन ने हिटिंग की कोशिश की पर दोनों ही थक चुके हैं। अब अश्विन आमबार की कोशिश कर रहा है और शायद इसी बार आमबार मिल जाएगा, मैच अभी खत्म हो सकता है। देखते हैं अब क्या होगा, क्या शेख साहब लड़ेंगे उसे आमबार नहीं लगाने देंगे या मैच अभी खत्म होगा आमबार से। और मैच इसी तरह खत्म हुआ। अश्विन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ एमएमए, अश्विन ने मार खाते हुए पहला राउंड में थोड़ी हिचक हुई, थोड़ा पिटे पर आखिरकार दूसरे राउंड में मैच। The result of this match as for submission due to armbar, it is blue corner, Ashwin Chinagra!